हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा जमैका और सेंट लूसिया स्टार्स के बीच में होने वाला सीपीएल 2018 का 17वां मैच, जो कि डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट ग्राउंड सेंट लूसिया में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस मैच का मैं आपको प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊंगा, साथ में पिच कंडीशन और क्या पॉइंट्स टेबल में क्या दोनों टीमों की रैंकिंग है, वो सब के बारे में डिटेल्स दूंगा। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी स्केन और बारबाडोस का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें। और फ्रेंड्स, साथ में मैं फुटबॉल मैच का, जो कि आज बार्सिलोना और VLD के बीच में जो मैच होने वाला है ला लीगा का, उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर देख लें। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो सबसे पहले ये डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया में खेला जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 170 के करीब रन आपको बनेंगे। हो सकता है कि 150 पे भी, अगर बैट्समैन टॉप ऑर्डर आउट हो गई तो 150 के नीचे भी रुक सकती है, लेकिन अगर उसमें से एक या दो बल्लेबाज भी चल गए तो 170 प्लस और 180 के करीब स्कोर बन सकता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें सबसे पहले, आइए हम दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो अगर जमैका तलवाज की बात करें तो शुरू के उन्होंने तीनों मैच जीते थे, लेकिन लास्ट के तीन मैच में वो तीनों हारे हैं। जमैका तलवाज अभी भी पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पे बनी हुई है और चाहेगी कि फिर से वो विनिंग नोट पे आ जाए इस मैच को जीतकर। वहीं सेंट लूसिया स्टार 7 मैच में सिर्फ 2 मैच जीतकर सबसे लास्ट में बनी हुई है पॉइंट्स टेबल में। हालांकि उन्होंने आज अपना जो मैच हुआ था उसे जीता था आसानी से, बड़ी आसानी से, जो कि गुयाना अमेजन वॉरियर के अगेंस्ट जीता था। तो उम्मीद है कि इस विनिंग जो नोट है उसको बरकरार रखने की कोशिश करेगी। तो एक अच्छा मैच, इंटरेस्टिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब दोनों टीमों की बात करते हैं हम प्लेइंग 11 की। तो जमैका की बात करें फ्रेंड्स, तो ग्लेन फिलिप्स जो कि ओपन करेंगे और विकेट कीपर भी है। जॉनसन चार्ल्स वापस आ चुके हैं, पिछला मैच भी खेले थे और इस मैच में भी खेलेंगे। फिर केनर लिविस, रॉस टेलर, डेविड मिलर, एंड्रे रसेल, रोमन पॉवेल, इमाद वसीम, सैमुअल बद्री, एडम जैम्पा और ओशेन थॉमस। तो फ्रेंड्स, ये प्रोबेबल 11 रहने वाली है जमैका की। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेज देखने को मिलेंगे। हालांकि की प्लेयर की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स, जॉनसन चार्ल्स, केनर लेविस, डेविड मिलर, रसेल, इमाद वसीम, एडम जैम्पा और ओशेन थॉमस, ये कुछ प्लेयर हैं जो बहुत ही अच्छे पॉइंट दे सकते हैं आपको। वहीं बात करें फ्रेंड्स सेंट लूसिया स्टार्स की, तो उन्होंने आज अपना लास्ट मैच जीता है, तो मुझे नहीं लगता वो चेंज करना चाहेंगे और बड़े ही आसानी से जीता था इस मैच को। तो एंड्रे फ्लेचर फिर से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, जो कि विकेट कीपर भी हैं। उनके साथ फ्रेंड लैंडल सिमंस जाएंगे ओपन करने, उसके बाद रकीम कॉर्नवाल, फिर डेविड वार्नर। हालांकि बैटिंग में कुछ जो बैटिंग का स्लॉट है उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं केरन प्लाट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो पिछला मैच हुआ था उसमें इसी तरह उन्होंने बैटिंग को उतारा था। उसके बाद किरण पोलार्ड, फिर कैस अहमद, डैरेन सैमी, ओडेन स्मिथ, मिचेल मैकलेनेगन, कैसरिक विलियम्स और ओबेड मैकोए। तो फ्रेंड्स, ये रहने वाली है सेंट लूसिया स्टार्स की प्लेइंग 11। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब आइए बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। फ्रेंड्स, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। आइए अब बात करते हैं हम ड्रीम 11 टीम की बात करें फ्रेंड्स, और ये स्मॉल लीग के लिए मैं टीम बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपके पास विकेट कीपिंग में 2 ऑप्शन हैं, एंड्रे फ्लेचर और ग्लेन फिलिप्स। दोनों ही बड़े अच्छे फॉर्म में हैं और दोनों अपने टीम से ओपन करने आते हैं। फ्रेंड्स, आपको यही 2 विकेट कीपर जीत और हार में आपको फ़र्क दिलाएंगे। अगर आप जिस विकेट कीपर को रखें, अगर वो चल गया तो आप जीत जाएंगे। अगर आप जिस विकेट कीपर को नहीं रखें और वो चल गया और आपका विकेट कीपर जो बैट्समैन है वो रखें और आउट हो गया तो आप हार सकते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इन दोनों में से किसे पिक करें। लेकिन मैंने टीम बैलेंस रखने के लिए एंड्रे फ्लेचर को रखा है, जो कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने थे। ग्लेन फिलिप्स नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म में है, तो आप ग्लेन फिलिप्स को रखना चाहते हैं तो रख लें, या आपके ऊपर है फ्रेंड्स। दोनों बड़े ही अच्छे फॉर्म में हैं, हालांकि मैं फ्लेचर के साथ जा रहा हूं। अब बात करें फ्रेंड्स बैट्समैन की, तो मैंने 4 बैट्समैन डेविड वार्नर, डेविड मिलर, जॉनसन चार्ल्स और केनर लेविस, ये 4 बैट्समैन को मैंने पिक करा है। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है, रॉस टेलर, लैंडल सिमंस जो कि ओपन कर रहे हैं,
उसके बाद डेरेन सैमी जो कि बहुत लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है जिनको आप रख सकते हैं, और रोमन पॉवेल, तो ये तीन चार ऑप्शन है जिनको आप रख सकते हैं। वैसे चार जो बेस्ट थे मैंने पिक कर लिए हैं। आइए अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो मैंने तीन ऑलराउंडर रसेल, केरन पोलार्ड और रखीम कॉर्नवाल, ये तीनों को मैंने पिक करा है। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है इमाद वसीम एक ऑप्शन है जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। बात करें बॉलर्स की, तो मैंने तीन बॉलर कायस अहमद, सैमुअल बद्री और ओशेन थॉमस, ये तीन को मैंने पिक करा है। फ्रेंड्स अगर आप सैमुअल बद्री क्रेडिट उधर मैनेज करने के लिए मैंने सैमुअल बद्री को रखा है, अगर आप उधर किसी एक बैट्समैन को हटाकर या किसी कम क्रेडिट वाले बैट्समैन को रखकर आप सैमुअल बद्री की जगह पे यहाँ से आप जमैका की तरफ से फ्रेंड्स आप रख सकते हैं एडम जैम्पा को भी या फिर मिचेल मैकलेनेगन, तो ये आपके ऊपर है। मिचेल मैकलेनेगन एक अच्छे ऑप्शन है जो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। केसरिक विलियम्स पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी और दो विकेट भी लिए थे। एडम जैम्पा ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन आपके पास हैं अच्छे। ओबेड मकोए, ये कुछ ऑप्शन है जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन मैं एंड्रे रसेल को बना रहा हूँ और वाइस कैप्टन केरन पोलार्ड जो कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। और दूसरा ऑप्शन अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो अगर आप ग्लेन फ्लिप्स को विकेट कीपर रख रहे हैं तो उन्हें कैप्टन बना दें, या फिर एंड्रे फ्लेचर को रख रहे हैं तो एंड्रे फ्लेचर को कैप्टन बना दें, और वाइस कैप्टन यहाँ से आप जॉनसन चार्ल्स को, ये एक अच्छा ऑप्शन है। और ग्रैंड लीग के लिए आप रखीम कॉर्नवाल को कैप्टन बना सकते हैं जो कि फर्स्ट डाउन पे बैटिंग कर रहे हैं और चार ओवर बॉलिंग भी, और वाइस कैप्टन पुलार्ड या रसेल में से किसी एक को रख सकते हैं। लेकिन जो आज के मेरे कैप्टन रहेंगे रसेल और वाइस कैप्टन केरन पोलार्ड। आइए एक बार फाइनल प्रीव्यू देख लेते हैं। फ्लेचर, डेविड वार्नर, जॉनसन चार्ल्स, केनर लेविस, डेविड मिलर, रसेल, पुलार्ड, कॉर्नवाल, कायस अहमद, ओशेन थॉमस और सैमुअल बद्री। तो फ्रेंड्स ये है आज की मेरी ड्रीम इलेवन टीम। जरूरी नहीं जो मैं टीम बनाया उसे आप जीते ही, तो अगर एक दो चेंजेस करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें। और फ्रेंड्स कैप्टन और वाइस कैप्टन तो खुद की चॉइस से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।